प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की घोषणा होने के बाद चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। एक तरफ जहां पार्टियों से चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके नेता अपनी पार्टी के टिकट की जुगत में लगे हैं, वहीं इन्हीं सरगर्मियों के बीच जहां भाजपा जजपा ने गठबंधन की बजाय अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया है, तो कांग्रेस ने सिंबल पर चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। लेकिन इन्हीं सरगर्मियों के बीच भावी उम्मीदवारों द्वारा मतदाताओं के घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया गया है। आज जगत महान न्यूज की टीम इन्हीं सरगर्मियों का जायजा लेने पहुंची कुंडली नगर पालिका। कुंडली नगर पालिका के 15 वार्ड में 10,783 मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर 19 जून को अपनी भावी चेयरपर्सन चुनने वाले हैं। आज जगत महान न्यूज की टीम ने यहां से भाजपा पार्टी की प्रमुख दावेदारों में से एक, चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी और कुंडली को स्वच्छ सुंदर बनाने की मंशा रखने वाली श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, जिनके पति सुनील कटारिया पहले मेंबर का चुनाव भी लड़ चुके हैं। हमारी टीम ने मीनाक्षी से बात की और जाना कि अगर जनता उन्हें मौका देती है तो वे कुंडली की समस्याओं से कैसे निजात दिलाएंगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, हम पहुंचे हैं कुंडली नगर पालिका में। कुंडली नगर पालिका का चुनाव 19 जून को होने वाला है। यहाँ पर 15 वार्ड में 10,783 वोट हैं और 19 जून को यहाँ के मतदाता अपना चेयरपर्सन चुनने वाले हैं। कुंडली नगर पालिका में इंडस्ट्रियल जोन है, यहाँ पर लाखों लोग रहते हैं लेकिन यहाँ पर सिर्फ 10,783 ही मतदाता हैं। लेकिन देखते हैं आने वाले 19 जून को मतदाता यहाँ पे किस तरह का चेयरपर्सन चुनते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मीनाक्षी कटारिया जी, जो कि भाजपा के टिकट के लिए दावेदारी ठोक रही हैं। आइए इनसे जानते हैं कि कुंडली में किस तरह की दिक्कतें इनके संज्ञान में हैं और क्या ये समाधान करना चाहेंगी। मीनाक्षी जी, सबसे पहले आपका स्वागत। नमस्कार मीनाक्षी जी, मैं जानना चाहता हूं कि आप यहां पे वर्षों से रह रही हैं, हाँ। तो आपको पता है कि यहां क्या क्या दिखते हैं, क्या दिखते हैं यहां? यहां पे सबसे प्रॉब्लम बड़ी है कि पानी की सुविधा नहीं है अच्छी सी जी। यहां पे निकासी नहीं हो रहा है, निकासी नहीं हो रही है गंदे पानी की जी। और स्वास्थ्य के लिए यहां पे कोई भी ट्रीटमेंट के लिए कोई अस्पताल नहीं है यहां पे जी। और ना ही स्कूल है अच्छा जी। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे शिक्षा की, जैसे आप कह रहे हैं, नहीं दिखते हैं, परेशानियाँ हैं, लेकिन अगर हमने देखा है यहाँ 6 नंबर एक ड्रेन है वो पूरी तरह से गंदगी से भरी पड़ी है और चारों तरफ से गड्ढे जो है खोदे गए हैं पूरे कुंडली के चारों तरफ, चाहे वो रोड बनाने वालों ने खोदे हैं। बहुत सारी दिखते हैं, परेशानियाँ हैं, तो अगर आपको मौका मिलता है तो आप क्या करना चाहेंगे? मैं उनको प्रशासन के द्वारा अच्छे से और सही करूंगी सरकार के द्वारा जी। जी, अगर ये देखा जाए तो कुंडली जो है दिल्ली से अगर हम हरियाणा में प्रवेश करते हैं तो पहला गांव आता है और यहीं पे आते ही इतनी बुरी व्यवस्था देखने को मिलती है। तो आप अगर यहां पर चुनी जाती हैं तो कुंडली को किस तरह का बनाएंगी कि यहां पार्क आदि भी बने, यहां पे सौंदर्यीकरण हो, किस तरह का बनाना चाहेंगे? यहां पर एक उज्ज्वल और अच्छा कुंडली बनाने के लिए हर एक चीज़ की फैसिलिटी करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी जितना मेरे से बन सकता है जी, जो भी जी, जी, प्रशासन या सरकार जो मुझे भी जो हक देगी मैं उसके लिए सारा सब कुछ अपना वो लगाऊंगी इसमें जी। जी मीनाक्षी जी, यहाँ की अगर हम बात करें तो हम 2-3 दिन से यहाँ घूम रहे हैं तो यहाँ का सर्वे किया तो यहाँ नशे के का प्रकोप बहुत ज़्यादा है और नशे के कारण कई युवा अपनी ज़िंदगी ख़राब कर चुके हैं। अगर नशे से बचाने के लिए कोई उपाय आपके दिमाग में है तो बताएं। सबसे पहले इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है माँ बाप का सपोर्ट होना कि अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाए, उनको अच्छी शिक्षा दे, उनको सपोर्ट मिलेगा तो इन सब चीज़ों का ज्ञान भी होगा, उनके रोज़गार भी अच्छे मिलेंगे और उनके लिए रोज़गार अच्छा ढूंढने की कोशिश अच्छा करेंगे, व्यवस्था करेंगे जो भी हमसे बनेगा जिससे कि गलत काम ना कर सके, भ्रष्टाचार ना हो, इन चीज़ के लिए कोई ऑब्जेक्शन ना उठा सके हमारे लिए। आप महिला हैं और मैं महिला सुरक्षा की बात करूंगा तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बाहर से आके यहाँ प्रवासी के रूप में रह रहे हैं, तो ऐसे में सुरक्षा बड़ा दिक्कत की बात हो जाती है, तो आप सुरक्षा के लिए क्या करना चाहेंगे? मैं यहाँ सबसे पहले CCTV कैमरा लगाना चाहूँगी क्योंकि उसमें एक ऐसा है कि कोई भी अगर गलत बोले, झूठ बोले, उस पर यकीन ना करे लेकिन एक सामने सबूत हो जाता है कि हाँ ये गलत नहीं है, वो सबसे बड़ा सबूत होगा, उसके ही द्वारा सारा हर चीज़ की कार्रवाई होगी।
बहुत सारी महिलाओं ने शिकायत की कि हमारा राशन कार्ड नहीं बना, ज़रूरतमंद हैं हम, हमारा नहीं बनता, लेकिन जो ज़रूरतमंद नहीं है उन लोगों के राशन कार्ड बन जाते हैं, उन लोगों को दूसरी सुविधाएं मिल जाती हैं, आयुष्मान कार्ड बन जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी दिक्कतें यहाँ हैं, और अगर आपको मौका मिलता तो आप इन दिक्कतों को दूर करेंगी? जी बिल्कुल करूँगी। जी किस तरह की दिक्कतें महिलाएँ बताएँ यहाँ पे राशन कार्ड का ये जो प्रॉब्लम है, ये अपने मुझे जो भी मुझसे बनेगा मैं अच्छे से पहले सबकी जांच पड़ताल करने के बाद ही सब कुछ सही करूंगी। जी चलिए, अभी तो आप दावेदारी ठोक रही हैं, हो सकता है जल्द ही आप अपना नामांकन भी भरें और पार्टी का आशीर्वाद भी हो सकता है आपको मिल जाए। तो अगर आपको मौका मिलता है तो कुंडली की जनता को क्या अपील करना चाहेंगी, वोट के लिए क्या कहना चाहेंगी? कि सभी आप मुझे चुने, मुझे आगे आने वाला मौका दे कि मैं अच्छे से अपने कुंडली का अच्छा उज्जवल भविष्य बना सकूं। जी जी जी, तो दर्शकों ये थी मीनाक्षी, जो कि कह रही हैं कि मैं कुंडली का उज्जवल भविष्य बनाना चाहती हूं, कुंडली को संवारना चाहती हूं, कुंडली में शिक्षा के लिए स्कूल को भी व्यवस्थित करवाने चाहूंगी, सरकार के साथ मिलकर यहां पर CCTV कैमरे लगाऊंगी, नशे के लिए भी जागरूकता लाने का काम करूंगी। देखते हैं आने वाले समय में अगर इनको टिकट मिलता है और ये चुनाव लड़ती हैं तो ये कितने अपने वादों पर खरा उतरती हैं। इस दौरान मीनाक्षी के पति, जो कि RO प्लांट चलाते हैं, जिनका कहना कि वे हमेशा लोगों के सुख दुख में शरीक होते हैं और जरूरतमंदों की शादी आदि में पानी की सेवा फ्री देने का काम भी करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर जनता ने उनकी धर्मपत्नी को सेवा का मौका दिया तो वे कुंडली को चंडीगढ़ व गुरुग्राम जैसा बनाने का काम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इनके पति सुनील कटारिया जी, हम उनसे भी बात करेंगे, वो किस तरह का समाज के बीच में रह के काम करते रहे हैं और किस तरह से अपनी धर्मपत्नी का साथ देते हुए कुंडली का विकास करेंगे। सुनील जी, क्या कहना चाहेंगे, आपकी धर्मपत्नी को आप चुनाव में उतार रहे हैं तो किस तरह की देखते हैं और क्या आप करना चाहेंगे कुंडली के बारे में? सर, कुंडली में बहुत सारी दिक्कतें हैं, एक दिक्कत गिनते गिनते हम थक जाएंगे। हमको अपने कुंडली ग्राम, नगर पालिका कुंडली ग्राम का मतलब विकास करना चाहते हैं अच्छे तरीके, संपूर्ण तरीके से। जैसे कि हमारी पत्नी ने बताया कि यहाँ पे स्कूल की, अच्छे स्कूल की व्यवस्था नहीं है। हम अपने गवर्नमेंट स्कूल को अच्छा बनाना चाहेंगे ताकि बच्चे अच्छे टीचर रखेंगे, ताकि बच्चे अच्छी शिक्षा पा सके और प्राइवेट स्कूलों की तरफ ध्यान ना दे। और जो कि हमारे गाँव में बताया हमारी पत्नी मीनाक्षी जी ने, गंदे पानी की निकासी नहीं है, हम उसकी तरफ विशेष ध्यान देंगे ताकि हमारे बच्चे जो स्कूल में जा सके उनको कोई दिक्कत ना हो, कोई किसी ग्रामवासी को कोई दिक्कत ना हो, अच्छे तरीके से वे के अपने काम धंधे व ड्यूटी पे जा सके, वे किसी भी महिला को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और हमारी पत्नी मीनाक्षी जी ने कहा कि मैं अपने गाँव नगर पालिका कुंडली में एक हॉस्पिटल बनवाना चाहते हैं। हम सरकार से गुहार करेंगे, विनती करेंगे कि हमारे स्कूल में, हमारे गांव में एक छोटा सा या बड़ा हॉस्पिटल बना जाए, जो कि कुंडली गांव में कम आज के टाइम में 5 लाख जनसंख्या होगी, जो कि उनको परेशानी होती है, वो कोई दिल्ली भागता है, कोई नरला भागता है, कोई दिल्ली की तरफ जाता है। जैसे कि नरला डॉक्टर कहते हैं कि भाई आपकी यहाँ की ID है तो आपका इलाज होगा, आपके पास यहाँ की ID है तो आपकी जांच पड़ताल होगी, नहीं तो वो बाहर की लिख देते हैं, टेस्ट वगैरह वगैरह कहीं बाहर से करा कर लाओ। जो कि हमारे जो गांव की जनसंख्या के पास इतने पैसे की सुविधा नहीं है जो कि वो अपना इलाज टाइम पे करा सके, वो फिर अपना वैसे ही वो छोटी मोटी दवाई देके हमारे गांव के। जी मतलब आपका कहने का मतलब है कि भाई यहाँ पे जो है आप अस्पताल बनवाना चाहेंगे सरकार के सहयोग से, अगर अस्पताल है तो उसमें सुविधाएं लाना चाहोगे, तो अच्छी बात है, आपको मौका मिलता है आप ऐसा करें। अब आप अपने कुंडली नगर पालिका क्षेत्र के लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने कुंडली नगर पालिका क्षेत्रों को, ग्रामवासियों को सबसे पहले हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप एक मौका मीनाक्षी कटारिया जी को दीजिए ताकि वो आपका उज्जवल भविष्य बना सके, अपने कुंडली गांव का विकास कर सके, अपने गांव को 4 चांद लगा सके। जैसे कि गुड़गांव चमक रहा है, चंडीगढ़ चमक रहा है, हम सोचेंगे भी हमारा गांव भी इसी तरह चमके, क्योंकि दिल्ली के टच में सबसे पहला गाँव है।
जी, तो दर्शकों ये थी मीनाक्षी कटारिया और सुनील कटारिया, जो कि बड़े बड़े दावे कर रहे हैं चंडीगढ़ और गुड़गांव बनाने की बात करते हैं। देखते हैं अगर पार्टी इनको मौका देती है या ये निर्दलीय के तौर पे चुनाव लड़ते हैं तो ये इस कुंडली नगरपालिका को किस तरह का बना सकते हैं। जगत महान न्यूज़ के लिए सारिका नरवाल के साथ तेजवीर सिंह, कुंडली, नमस्कार।